नमस्कार दर्शकों, आप सबका फैक्टर एनालिसिस कारक विश्लेषण व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने मल्टीवेरिएट स्टेटिस्टिक्स बहुचरी सांख्यिकी के अर्थ को समझाया था। उसी बहुचरी सांख्यिकी में एक सांख्यिकी है कारक विश्लेषण, और आज कारक विश्लेषण है क्या, इस कॉन्सेप्ट को, इस संप्रत्यय को, इसके अर्थ को बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बार पुनः वो लोग जो पहले लेक्चर को न देख पाए हों, मल्टीवेरिएट टेक्निक्स और कैसे ये फैक्टर एनालिसिस उससे जुड़ा है, इसकी चर्चा करूंगा। जैसा आप सभी जानते हैं, मल्टीवेरिएट स्टेटिस्टिक्स या बहुचरी सांख्यिकी एक ऐसा या ऐसी सांख्यिकी विधि है जिसमें हम विश्लेषण के क्रम में दो या दो से अधिक चरों को एक साथ जोड़ के एक कंपोजिट वेरिएबल, एक संयुक्त चर का निर्माण करते हैं, और उसी संयुक्त चर को हम वेरिएट कहते हैं। और कोई भी सांख्यिकी विधि जिसमें तीन या तीन से अधिक चर हों और विश्लेषण के क्रम में उन चरों के किसी भी उपसमूह को यदि एक साथ जोड़कर संयुक्त चर का निर्माण किया जा रहा हो, जिसे हम वेरिएट कहते हैं, तो वो मल्टीवेरिएट स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। अब यदि इस बहुचरी सांख्यिकी के प्रकारों की बात करें तो ये कई तरह के हो सकते हैं। नाम ले तो आप कहेंगे फैक्टर एनालिसिस, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस, ऐसे कई प्रकार हो जाएंगे। लेकिन ब्रॉडली दो प्रकार में हम बांट सकते हैं और दो तरीके हैं इनको बांटने का। कुछ लोग मल्टीवेरिएट स्टेटिस्टिक्स को मल्टीवेरिएट प्रेडिक्शन स्टेटिस्टिक्स, पूर्व कथन करने वाले बहुचरीय सांख्यिकी, और मल्टीवेरिएट कोवेरियंस एनालिसिस, बहुचरीय सहप्रसरण विश्लेषण, इन दो वर्गों में बांटते हैं। मल्टीवेरिएट प्रेडिक्शन स्टेटिस्टिक्स या बहुचरीय पूर्वकथन सांख्यिकी में उस तरह की सांख्यिकी विधियां आती हैं जहां हम किसी एक चर का पूर्वानुमान करने का प्रयास करते हैं अनेक स्वतंत्र चरों के आधार पर, जैसे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस या मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें हम अनेक स्वतंत्र चर के आधार पर एक या एक से अधिक आश्रित चर का हम पूर्व कथन या पूर्वानुमान करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर कुछ उस तरह की सांख्यिकी विश्लेषण है जिनमें हम किसी भी चर का पूर्व कथन या पूर्वानुमान नहीं करना चाहते, बल्कि हम उन सारे चरों का, जो तीन या तीन से अधिक चर हैं, जो अनेक चर हैं, उनका आपस में कैसा सहप्रसरण है, उनके आपस में कैसे संबंध है, कोरिलेशन है, इन सह संबंधों का ही सिर्फ विश्लेषण करना चाहते हैं, जैसे कि फैक्टर एनालिसिस इसका ये उदाहरण है। उसी तरह से कुछ सांख्यिकी वेत्ता बहुचरी सांख्यिकी को दो हिस्से में बांटते हैं, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस टेक्निक्स। तो डिपेंडेंस टेक्निक्स वस्तुतः मल्टीवेरिएट प्रेडिक्शन टेक्निक की तरह है, जहां पर हम किसी चर का किसी दूसरे चरों पर आश्रितता देखते हैं। जैसे कि मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस का पुनः उदाहरण लूंगा, जैसे मान लीजिए मेरा स्वस्थ स्वास्थ्य, यह एक आश्रित चर है, और यह मेरे तनाव से, मेरे जीवन शैली से, मेरे खान पान से, मेरे सोचने के तरीके से प्रभावित होता है। तो मेरा स्वास्थ्य निर्भर है मेरे तनाव, मेरे जीवन शैली इत्यादि पर। तो इस तरह की जहां निर्भरता का हम विश्लेषण करते हैं तो उन्हें हम मल्टीवेरिएट डिपेंडेंस टेक्निक कहेंगे। तो मल्टीवेरिएट प्रेडिक्शन और मल्टीवेरिएट डिपेंडेंस टेक्निक्स मूलतः एक ही तरह की टेक्निक है। और उसी तरह से इंटरडिपेंडेंस टेक्निक में हम किसी एक चर को दूसरे चरों पर आश्रित ना मान के
अन्योन्याश्रितता का एजम्पशन लेके चलते हैं कि प्रत्येक चर एक दूसरे पर आश्रित है, इंटरडिपेंडेंस। तो यह अंतर निर्भरता कहां होगी, जहां चरों का आपस में सहसंबंध होगा, सह प्रसरण होगा। तो इस तरह से मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस एनालिसिस जो है वो इंटरडिपेंडेंस टेक्निक के समान है। और इन वर्गीकरण के आधार पे देखें तो फिर हम एक सरल परिभाषा, कारक विश्लेषण क्या है, फैक्टर एनालिसिस हमने संक्षिप्त में एफए रखा है, आगे भी एफए बोलूंगा तो आप उसका अर्थ फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण से लगाइएगा। तो फैक्टर एनालिसिस मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस एनालिसिस की टेक्निक कही जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस एनालिसिस टेक्निक, और यह बात सही है। उसी तरह से हम इसे कह सकते हैं कि व्हाट इज फैक्टर एनालिसिस, तो फैक्टर एनालिसिस इज ए मल्टीवेरिएट इंटरडिपेंडेंस टेक्निक। यह एक बहुचरीय अंतर निर्भरता प्रविधि है। तो ये मल्टीवेरिएट टेक्निक से कारक विश्लेषण का संबंध है, लेकिन केवल इस संबंध को स्थापित करने से हमारे आपके दिमाग में कारक विश्लेषण है क्या, इसका विंब नहीं आ रहा होगा, ये क्या है, ये इतने से समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं एक काम चलाऊ परिभाषा से शुरू करता हूं कि कारक विश्लेषण को हम परिभाषित करना चाहें तो एक ऐसे विधि के रूप में, और यह ध्यान रखिएगा कि कारक विश्लेषण एक विधि नहीं, ये कई सांख्यिकी विधियों के समूह का नाम है। इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल फैक्सिस फैक्टर एनालिसिस, इमेज एनालिसिस, मैक्सिमम लाइकलीहुड फैक्टर एनालिसिस, ऐसे बहुत सी प्रविधियां हैं। तो यह कई प्रविधियों का एक नाम है फैक्टर एनालिसिस। और इस फैक्टर एनालिसिस को हम एक ऐसे विधि के रूप में देख सकते हैं जहां हम एक वेरिएबल के समूह को, कई वेरिएबल्स के समूह के आपस में जो इंटरकोरिलेशन है, जो उनका अंतर संबंध है, इंटर रिलेटेडनेस है, उसका विश्लेषण करते हैं इस उद्देश्य से कि उनके आपस के संबंध के आधार पर उन चरों के बड़े समूह में कुछ छोटे गुच्छे या सबसेट्स मिले जिनमें चरों का आपस में संबंध बहुत अधिक हो। तो चर किसी दिए हुए क्लस्टर में जो चर आ रहे हैं वो आपस में बहुत संबंधित हो, लेकिन दूसरे क्लस्टर के चर से उनका संबंध कम हो। तो यह एक ऐसी सांख्यिकी विश्लेषण की विधि है जिसमें ढेर सारे वेरिएबल्स के समूह के अंतर संबंध का विश्लेषण कर कुछ ऐसे छोटे छोटे समूह, उपसमूह या क्लस्टर्स या गुच्छों को हम ढूंढते हैं जिनमें उपसमूह के अंदर जो चर आए हैं उनका आपस में संबंध बहुत प्रगाढ़, बहुत अधिक होता है, और उन चरों का दूसरे क्लस्टर या उपसमूह के चरों से संबंध कम होता है। एक विजुअल ग्लिम्स आपको देख करके एक समझाने का प्रयास करूंगा कि फैक्टर एनालिसिस क्या है। इस चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें 15 छोटे छोटे बॉल्स दिख रहे हैं आपको, ये ओवल शेप है। हर कलर को ध्यान से देखिए, सब कलर एक दूसरे से किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी रूप में भिन्न है। यदि इन दो रंग को आप देखें तो ये दो रंग भी अलग अलग हैं, ये दो रंग अलग हैं। सभी रंग आप देखें तो हूबहू कोई भी रंग एक नहीं है। तो जब हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं और हमारे पास इन 15 वॉल्स को आप 15 वेरिएबल्स मान लीजिए, तो ऐसे ही ढेर सारे वेरिएबल्स होते हैं और प्रथम दृष्टया देखने पे जैसे आपको लग रहा है कि ये सब तो अपने तरह से अलग अलग है, लेकिन इनमें अंतर संबंध हो सकता है। ये हमारी आगे अगले व्याख्यान में हम एजम्पशंस की बात करेंगे तो और इस पे बताएंगे। तो यदि हम इनके अंतर संबंधों का विश्लेषण करें कि क्या ये वास्तव में एक दूसरे से कुछ संबंध है या वाकई अलग अलग हैं, तो विश्लेषण करने पर हमें दिखता है कि नहीं, ये कुछ गेद हैं जो आपस में संबंधित हैं। जैसे इन 6 गेंदों की समूह को देखें तो
तो ये लाल या लाल से मिलते जुलते सेट्स हैं, ये तो ये इनका आपस में कोरिलेशन बहुत है। तो हमें एक क्लस्टर, एक सबसेट मिला जिसको हम कह सकते हैं रेड सेडेड बॉल, लाल रंग जैसे, लाल रंग आधारित गेंद। दूसरा क्लस्टर ग्रीन सेडेड बॉल और तीसरा क्लस्टर ब्लू सेडेड बॉल। मेरे परिभाषा को याद करिए जो भी हमने बोला कि फैक्टर एनालिसिस ढेर सारे वेरिएबल्स के अंतर संबंध का विश्लेषण कर कुछ सबसेट या क्लस्टर्स ढूंढता है, इस तरह से कि क्लस्टर्स के बीच में तो आपस में संबंध बहुत अधिक होता है, लेकिन दो क्लस्टर्स के बीच में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में रिलेशन, तो लाल लाल है वो हरा नहीं है, इनमें संबंध नहीं है, हरे और नीले में संबंध नहीं है, नीले और लाल में संबंध नहीं है, तो बिटवीन क्लस्टर रिलेशंस कम होंगे वेरिएबल्स के और विद इन क्लस्टर रिलेशंस अधिक होंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में हम इस तरह का विश्लेषण करके फैक्टर एनालिसिस नहीं करते। उस उदाहरण को देने से पहले अब कुछ परिभाषा को हम लोग परिष्कृत करें, तो फैक्टर एनालिसिस को हम कह सकते हैं कि यह एक सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, एनालिटिक टेक्निक्स है, जो ढेर सारे अंतर संबंधित चरों को, इंटररिलेटेड वेरिएबल्स को रिड्यूस करके स्मॉलर नंबर ऑफ लेटेंट और हिडन वेरिएबल्स, छोटे संख्या में छुपे हुए छद्म चरों को ढूंढता है। और ये जो छोटे, जो कम चर होते हैं, उन्हीं कम चरों के आधार पे हम पूरे चरों के कोरिलेशन को, जो उनका मैक्सिमम वेरिएंस है ओरिजिनल सेट ऑफ वेरिएबल्स में, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये थोड़ा जटिल लगा होगा मेरे कहने से, आप इसको पढ़िएगा भी अंग्रेजी में, भी समझ में आए। आप गेंद वाले उदाहरण पे जाएं, 15 वेरिएबल, 15 गेंद थे, उनको हमने 3 में घटा दिया। तो फैक्टर एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो ये परमिट करता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंटररिलेटेड वेरिएबल्स को रिड्यूस करके स्मॉलर नंबर में, तो हमने 15 को 3 में कर दिया, लाल रंग के गेंद, हरे रंग के गेंद, नीले रंग के गेंद, और इन तीन ही, अब लाल रंग आधारित गेंद, नीले रंग आधारित गेंद और हरे रंग आधारित गेंद, इन्हीं ये तीन, लालपन, नीलापन, हरापन, ये एक लेटेंट डायमेंशन है, वो किसी में दृष्टिगत नहीं है। तो इस तीन डायमेंशन से हम सारे वेरिएबल्स कैसे आपस में रिलेटेड हैं, तो हम इसको बता सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपसे पूछें कि क्यों सब लाल गेंद एक जगह इकट्ठे हैं, तो आप कहेंगे कि सभी में लालपन समान है। वह क्यों नीले से दूर है, क्योंकि लालपन नीलेपन से अलग है। तो हम सारे चरों के हाई या लो कोरिलेशन क्यों है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कारक विश्लेषण एक ऐसा, इसको और स्पष्ट करने के लिए यदि हम स्टेप वाइज कहें, तो कोरिलेटेड जो वेरिएबल्स होंगे, जो आपस में हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं, जैसे लाल गेंद सब एक में कोरिलेटेड है, तो उन्हें हम एक साथ ग्रुप में रखते हैं, दे आर ग्रुप टूगेदर। लेकिन एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, सेपरेटेड फ्रॉम अदर वेरिएबल्स विथ लो और नो कोरिलेशन। तो लाल रंग का नीले और हरे से संबंध नहीं है, तो उससे वो पृथक करके अलग एक जगह रख दिए गए। दूसरी बात क्या है कि ग्रुपिंग जब हम करते हैं, जब ये हम उपसमूह ढूंढते हैं जिन्हें हम फैक्टर्स या डायमेंशन कहेंगे, तो वो इस तरह से ढूंढते हैं कि किसी एक सबसेट में जो वेरिएबल्स हैं वो म्यूचुअली हाईली कोरिलेटेड हो, परस्पर उनका संबंध बहुत अधिक हो, जबकि एट द सेम टाइम दूसरे क्लस्टर में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स से इनका कोरिलेशन कम हो। तो ये दो चीजें हैं जो
फैक्टर एनालिसिस को परिभाषित करती हैं। और तीसरी बात यह है कि हर सबसेट या जो ग्रुप है वेरिएबल्स का, उसके नीचे कोई न कोई छिपा एक कारण है। क्यों सब एक साथ इकट्ठे हैं? क्योंकि वो सभी लालपन से परिभाषित होते हैं। क्यों सभी एक जगह इकट्ठा है? क्योंकि वो हरेपन से परिभाषित होते हैं। तो ये लालपन हरापन उनके अंदर छिपा हुआ लेटेंट वेरिएबल है, और ऐसे ही लेटेंट वेरिएबल्स को फैक्टर एनालिसिस में हम फैक्टर से संबोधित करते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस एक इस तरह का सांख्यिकी विधियों का समूह है जो इस तरह के कार्य को संपादित करता है जो अभी हमने आपको बताया। लेकिन ये इस तरह से विजुअल गेंदों का रंग मिला के नहीं करता है, बल्कि फैक्टर एनालिसिस का जो मेन इनपुट है वो कोरिलेशन मैट्रिक्स होता है। इसलिए अब मैं जो उदाहरण दूंगा वो कोरिलेशन मैट्रिक्स के आधार पे दूंगा, लेकिन उससे पहले इसका इतिहास जानना भी जरूरी है। गाल्टन ने 1888 में लेटेंट फैक्टर्स शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने परिकल्पना की कि इस तरह के फैक्टर एनालिसिस और लेटेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कोई विधि नहीं दी। सर्वप्रथम जब स्पीयरमैन ने उस समय के उपलब्ध बुद्धि परीक्षणों का आपस में कोरिलेशन निकाल के जब टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1904 में, तो यहीं से बहुत से लोग मानते हैं कि फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण का प्रारंभ हुआ। जैसा आप सभी जानते हैं कि स्पीयरमैन के जमाने में बुद्ध के कई परीक्षण थे, और हर परीक्षण अलग अलग परिभाषाओं पर आधारित थे। कोई कहता था कि बुद्ध क्या है, तो यह सोचने और तर्क करने की क्षमता है। बुद्ध क्या है, तो यह लर्निंग और मेमोरी की कैपेसिटी है। ऐसे अनेक परिभाषाएं थी, और हर परिभाषाओं पर आधारित अलग अलग बुद्धि परीक्षण थे। तो स्पीयरमैन ये जानना चाहते थे कि क्या सब अलग अलग बुद्धि है या सभी में कोई समानता है। तो उन्होंने ढेर सारे परीक्षणों का, जो उस समय इंटेलिजेंस के टेस्ट थे, यहाँ सुविधा के लिए हमने केवल तीन का चित्र बनाया है, उनका आपस में जब कोरिलेशन देखा तो उन्होंने पाया कि सारे टेस्ट कहीं न कहीं एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। जैसे इस टेस्ट टू को देखें और टेस्ट थ्री को देखें, तो ये इतना बड़ा हिस्सा है ये जो टेस्ट टू और थ्री में ओवरलैप है। यदि आप टेस्ट थ्री और टेस्ट वन को देखें तो ये जो इतना बड़ा हिस्सा है वो ओवरलैप है। इसी तरह से टेस्ट थ्री और टेस्ट टू को देखें तो जो ये इतना बड़ा हिस्सा है ये ओवरलैप है। लेकिन यदि तीनों साथ टेस्ट को एक साथ देखें तो केवल यह इतना हिस्सा है जो तीनों टेस्ट में ही ओवरलैप कर रहा है, तीनों टेस्ट में ही ये हिस्सा निहित है। तो ये एक तरह का तीनों टेस्ट का कॉमन वेरिएंस है, शेयर्ड वेरिएंस है। यह एक ऐसा हिस्सा है जो तीनों ही में सम्मिलित है, और इसी शेयर्ड वेरिएंस को उन्होंने कहा कि इनमें ये इसलिए शेयरिंग है क्योंकि सभी परीक्षण एक और एक चीज को मेजर करते हैं, और वो एक चीज क्या है जिसको उन्होंने कहा कॉमन फैक्टर या जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इस कॉमन वेरिएंस को उन्होंने सामान्य मानसिक योग्यता का नाम दिया। और ये जो छोटे छोटे व्हाइट हिस्से दिख रहे हैं, या आप देखें कि ये किसी टेस्ट से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये व्हाइट हिस्सा किसी टेस्ट से ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी ये हिस्सा केवल और केवल उन्हीं परीक्षणों के द्वारा, 1, 2, 3 के द्वारा ही व्याख्यायित होता है। तो इस फैक्टर को उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिक फैक्टर है, ये टेस्ट वन से ही एक्सप्लेन होंगे, टेस्ट टू से ही एक्सप्लेन होंगे। ये आप सिद्धांत जानते हैं। यहां मैं इसका इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि वास्तव में यह एक तरह का कारक विश्लेषण है। तो यदि इस उदाहरण को देखें तो आप कहेंगे कि व्हाट इज फैक्टर एनालिसिस, तो फैक्टर एनालिसिस बेसिकली एनालाइजेस द इंटर रिलेशनशिप। यह कई चरों के
अंतर संबंध का विश्लेषण करता है और उनके शेयर्ड वेरिएंस को एक्सट्रैक्ट करता है और उस शेयर्ड वेरिएंस के सोर्स को जानता है और नाम देता है। जैसे स्पीयरमैन ने शेयर्ड वेरिएंस एक्सट्रैक्ट किया और इसका स्रोत उन्होंने कहा कि ये सामान्य मानसिक योग्यता है जिसकी वजह से इनमें शेयरिंग हो रही है। एक और उदाहरण देता हूं इंटेलिजेंस से ही। जैसे ये वेस्लर के चार टेस्ट है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल के, वॉकबुलरी, शब्द भंडारण, कॉम्प्रिहेंशन, बोध परीक्षण, पिक्चर कंप्लीशन, चित्रपूर्ति परीक्षण, पिक्चर असेंबली। और इन चारों का हमने कोरिलेशन निकाला, यहां हमने चित्रात्मक रूप से दिखाने का प्रयास किया है। तो मुझे दिखा कि वॉकेबुलरी और कंप्रेहेंशन इनमें बहुत हाई कोरिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत पास पास है यदि एक्स वाई ऑर्डिनेट पे इनको हम प्लॉट करें। लेकिन इन दोनों से पिक्चर कंप्लीशन और असेंबली इनकी दूरी है, ये इससे दूर है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी इन चार वेरिएबल के इंटर रिलेटेडनेस को जब हमने देखा तो हमने चार को दो में रिड्यूस कर दिया। और ध्यान रखिएगा फैक्टर एनालिसिस को हम डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक भी कहते हैं। तो अब ये चार वेरिएबल्स जो है दो डायमेंशंस में रिड्यूस हो गए। लेकिन ये दो क्यों, वॉकेबुलरी और कंप्रिहेंशन क्यों एक साथ है, इनका स्रोत क्या है, क्या कारण है? तो यदि हम ये देखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इसलिए एक साथ है कि इनके पीछे एक हिडन वेरिएबल है जिसे हम कह सकते हैं छिपा हुआ कारक है, जो है वर्बल इंटेलिजेंस। उसी तरह से इन दो के पीछे परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस है, इन दोनों कार्यों में हमें कुछ निष्पादन करना पड़ता है इसलिए ये एक साथ है और ये निष्पादन बुद्धि का मापन करते हैं। और इन दोनों चरों में कहीं न कहीं वाचिक सामग्री निहित है इसलिए ये वाचिक बुद्धि के कारण एक दूसरे के साथ है। और इन दोनों चरों में क्यों संबंध नहीं है इसकी भी व्याख्या हो जा रही है इन्हीं दो चरों के आधार पे, क्योंकि परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस वर्बल इंटेलिजेंस से अलग है इसलिए इनमें कोई संबंध नहीं है। यहां फिर से परिभाषा कारक विश्लेषण का दोहराऊंगा, ऐसे विश्लेषण की प्रविधि जो अनेक चरों, जैसे यहाँ चार चरों के अंतर संबंध का विश्लेषण करता है, उनमें चरों के उपसमूह या क्लस्टर्स को ढूंढता है, उनके कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस को ढूंढता है और उस कॉमन शेयर्ड वेरिएंस के सोर्स को नाम देता है किस कारण से वो एक दूसरे से है। और ये जो छोटे से चर होते हैं स्मॉलर सेट ऑफ वेरिएबल्स, इन्हीं जैसे इन्हीं दो वेरिएबल्स के आधार पे इन चारों के कोरिलेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि वॉकेबुलरी का पिक्चर कंप्लीशन से क्यों कम कोरिलेशन है तो आप कहेंगे इसलिए कि एक परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस का टेस्ट है और दूसरा वर्बल इंटेलिजेंस का। ये दोनों क्यों आपस में जुड़े हैं, क्योंकि ये पिक्चर कंप्लीशन और पिक्चर असेंबली वास्तव में दोनों एक ही तरह के बुद्धि का मापन करते हैं इसलिए इनमें आपस में संबंध है। सो फैक्टर एनालिसिस एक इस तरह की प्रविधि है जो ढेर सारे वेरिएबल्स का अंतर संबंध का विश्लेषण कर छोटे से चरों को रिड्यूस करता है और उन रिड्यूस्ड लेटेंट फैक्टर्स के आधार पे हम सारे वेरिएबल्स के जो लार्जर सेट ऑफ वेरिएबल्स का इंटर कोरिलेशन है उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में जो फैक्टर एनालिसिस का इनपुट है वो कोरिलेशन मैट्रिक्स है। कोरिलेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जब भी कहते हैं तो एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कुछ रोज हो और कुछ कॉलम हो, जैसे ये छह कॉलम्स हैं और छह रोज हैं तो ये मैट्रिक्स है। इस कोरिलेशन मैट्रिक्स को ध्यान दें, हमने छह प्रश्न के आंकड़ों के आधार पर मैट्रिक्स तैयार किया। आप देखें तो क्वेश्चन नंबर वन, प्रश्न एक का प्रश्न दो से बहुत हाई कोरिलेशन है, प्रश्न एक प्रश्न तीन से भी बहुत हाईली कोरिलेटेड है, प्रश्न दो और तीन भी हाईली कोरिलेटेड है, यानी एक दो तीन जो ये तीन प्रश्न हैं ये आपस में हाईली कोरिलेटेड है।
लेकिन यदि एक का चार से, एक का पांच से या एक का छह से देखें तो कोरिलेशन कम है, दो का इसी तरह से चार पांच छह से देखें तो कम है। तो एक दो तीन आपस में तो हाईली कोरिलेटेड हैं, लेकिन चार पांच छह से कम कोरिलेटेड है। वहीं चार पांच छह को देखें तो चार का पांच से हाई कोरिलेशन, चार का छह से हाई कोरिलेशन, पांच का छह से हाई कोरिलेशन, लेकिन पांच का यदि आप कोरिलेशन जो है छठे का कोरिलेशन तीसरे से देखें या पांचवें का कोरिलेशन पहले दूसरे तीसरे से देखें तो ये कम है। तो हमने फैक्टर एनालिसिस की परिभाषा को आप पुनः याद करिए, तो हमने वो शर्त को पूरा कर लिया। हमने इस इंटर रिलेटेडनेस की एनालिसिस करके दो क्लस्टर या दो सबसेट वेरिएबल्स के पाए, विद इन सबसेट म्यूचुअली हाईली कोरिलेटेड है वेरिएबल्स, एक दो तीन आपस में हाईली कोरिलेटेड है, चार पांच छह आपस में हाईली कोरिलेटेड है, एंड एट द सेम टाइम द वेरिएबल्स इन ए गिवन सेट आर नॉट रिलेटेड विद द वेरिएबल्स इन द अदर सेट। तो चार पांच छह का एक दो तीन से नहीं है और एक दो तीन का चार पांच छह से कोरिलेशन नहीं है। अब अंतिम कार्य जो है कि आखिर में ये तीन वेरिएबल क्यों आपस में हाईली रिलेटेड है, चार पांच छह क्यों हाईली रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको मैं इनका नाम डिस्क्लोज कर रहा हूं। जो पहले तीन वेरिएबल हैं उसमें पाल्पिटेशन जैसे धड़कन का बढ़ जाना, ड्राई माउथ मुंह का सूख जाना, स्वेटिंग पसीना आना, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। चौथे पांचवें छठवें में वरी, अप्रिहेंशन, नर्वसनेस। अब आप ध्यान से देखें तो ये तीनों वास्तव में ये छठों क्वेश्चन जो है वो चिंता के सूचक हैं, लेकिन ये जो है शारीरिक चिंता के सूचक हैं, इस चिंता के शारीरिक लक्षण हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला क्लस्टर या फैक्टर है ये क्या है, सोमैटिक एंजाइटी, शारीरिक चिंता, और ये वास्तव में भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं और ये भी चिंता के सूचक हैं। तो इस दूसरे क्लस्टर या फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं, इमोशनल या अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एंजाइटी। तो फैक्टर एनालिसिस मूलतः इस तरह से कोरिलेशन मैट्रिक्स की एनालिसिस करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कोरिलेशन मैट्रिक्स की एनालिसिस भी जैसे मैं ये विजुअली करके दिखा रहा हूँ इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए कई मैट्रिक्स अलजेब्रा और कई कई तरह के गणितीय गणनाओं को करने के बाद तब हम इन गुच्छों का पता कर पाते हैं, जो आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे। इस व्याख्यान को खत्म करने से पहले यह बता देना भी जरूरी है कि जो लेटेंट फैक्टर्स होते हैं वे दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव फैक्टर और दूसरे को कहते हैं फॉर्मेटिव फैक्टर। आमतौर पर लोग मानते हैं कि फैक्टर एनालिसिस से जो फैक्टर मिलता है वो रिफ्लेक्टिव फैक्टर होता है और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से जो फैक्टर मिलता है वो फॉर्मेटिव फैक्टर होता है। देखें पहले चित्रात्मक रूप से अंतर क्या है कि यह जो छिपा हुआ लेटेंट फैक्टर है, हमेशा लेटेंट फैक्टर को गोले से दिखाते हैं और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स को स्क्वायर या रेक्टेंगल से। तो ये फैक्टर में वेरिएशन इन वेरिएबल्स में वेरिएशन का कारण है, तीर इधर से इधर आ रहा है, जबकि इन ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स में वेरिएशन इस लेटेंट फैक्टर में वेरिएशन का कारण है, तीर इधर से इधर जा रहा है। तो ये एक मूल अंतर है। इसको और बेहतर समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इस फैक्टर एनालिसिस को इंटेलिजेंस कह लीजिए और इसको एसईएस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कह लीजिए। ये तीन इंडिकेटर्स हैं वेरिएबल्स, ये है आपका वर्बल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग और वर्किंग मेमोरी। अब क्या हम ये कहेंगे कि आपकी वर्बल रीजनिंग बहुत अधिक है, अच्छी है, इसलिए आप बुद्धिमान हैं,
या यह अधिक उचित प्रतीत हो रहा है कि आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए आपकी वर्बल रीजनिंग भी अधिक है, आपका विजुअल रीजनिंग भी अच्छा है और आपकी वर्किंग मेमोरी भी अच्छी है। ये दूसरा वाला अधिक उचित प्रतीत हो रहा है, यानी इंटेलिजेंस में वेरिएशन के कारण यदि आप हाई इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो आपकी रीजनिंग, विजुअल, वर्बल और वर्किंग मेमोरी ये तीनों हाई होंगे। उल्टा नहीं है कि यदि ये तीनों हाई हैं इसलिए आप इंटेलिजेंट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं इसलिए। सो योर इंटेलिजेंस इज रिफ्लेक्टेड इन योर रीजनिंग कैपेसिटी एंड इन योर वर्किंग मेमोरी। आपकी बुद्धि जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, प्रदर्शित होती है आपके तर्क करने की क्षमता में, आपके कार्यात्मक स्मृति में। लेकिन यहां एसईएस के तीन इंडिकेटर हैं, ये इनकम है, ये एजुकेशन है और ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड है। क्या यह कहना उचित होगा कि आप हाई एसईएस के हैं इसलिए आपका शिक्षा बहुत अधिक हो गया? बहुत से ऐसे हाई एसईएस के लोग होंगे जिनकी शिक्षा का स्तर कम होगा। क्या आप हाई एसईएस हैं इसलिए आपका इनकम, एजुकेशन ये बढ़ गया? यह कहना उतना उचित नहीं है जितना किया कि चूंकि आपकी शिक्षा अच्छी है, आपका आय अधिक है और आपका जो जीवन यापन का जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो बहुत अच्छा है, ऊंचा है, इसलिए आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऊंचा है। तो फॉर्मेटिव फैक्टर इस तरह के फैक्टर होते हैं और इसलिए हम इन तीनों को जोड़ के एक एसईएस का स्कोर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तीनों को जोड़ के हम इंटेलिजेंस का स्कोर नहीं निकालेंगे। तो ये रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव फैक्टर का अंतर है। आमतौर पे जब हम फैक्टर एनालिसिस करेंगे तो हम रिफ्लेक्टिव फैक्टर ही पाएंगे और उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको ध्यान से सुना। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ इससे अर्थ ग्रहण कर पाए होंगे। अगले व्याख्यान में मैं जल्दी ही आपको फैक्टर एनालिसिस के बेसिक एजम्पशंस और इनकी टर्मिनोलॉजीज को बताता हूँ और फिर उसके बाद के लेक्चर में हाउ टू डू फैक्टर एनालिसिस, कैसे फैक्टर एनालिसिस करेंगे, इन्हें दो पार्ट्स में, फैक्टर एनालिसिस प्रोसीजर 1 प्रोसीजर 2 करके दो व्याख्यान अपलोड करेंगे। अभी आज तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। और मुझे लगता है कि वो हिंदी भाषी छात्रों की जो कमी अनुभव में कर रहा था, जो उनका बार बार मांग आ रहा था, उसके लिए यह मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास सफल होगा। आप सभी को एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। बहुत शीघ्र ही आपको दूसरे